हेलो नमस्कार साथियों, मैं विजेंद्र यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण जो नोटिफिकेशन जो आया है उसको हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। जो संशोधन हुआ है उसको हम आप लोगों को बताएंगे। जो बिहार की जो शिक्षक भर्ती है, बिहार की जो शिक्षक भर्ती में जो बदलाव आए हैं उनको हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, जो भी इसमें जो पिछले बैठक हुई है और जो शिक्षा विभाग की जो बैठक हुई थी उसमें क्या क्या डिसीजन लिए गए, उन सारी बातों को आप लोगों को बताने जा रहे हैं। और आगे की रणनीति भी हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आप लोगों को प्रिपरेशन करना है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि जो हमारे पास बिहार के शिक्षक भर्ती में सबसे पहले क्या किया जाता था कि डोमिसाइल मांगने की बात हुई थी, डोमिसाइल मांगा जाता था। लेकिन अब क्या है कि जो बिहार का जो डोमिसाइल मांगा जा रहा था, स्टेट का जो डोमिसाइल मांगा जा रहा था, अब वो नहीं मांगा जाएगा। आप किसी भी स्टेट से हैं, आप चाहे उत्तर प्रदेश से हो, चाहे मध्य प्रदेश से हो, चाहे जहाँ से भी हो, जिस भी स्टेट से हो, आप क्या करेंगे, इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस शिक्षक भर्ती में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ देखिएगा, अब यहाँ पर बात आ रही थी कि क्या सीटेट अपीयरिंग वाले एलिजिबल हैं कि नहीं है। बिल्कुल, सीटेट अपीयरिंग वाले जो हैं इस शिक्षक भर्ती में आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि जो ये अपीयरिंग वाले स्टूडेंट हैं ये भी क्या करेंगे, इस भर्ती में फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि रही बात अब यहाँ पे कि क्यों ऐसा बदलाव किया गया है, शिक्षा विभाग के द्वारा जो बिहार का शिक्षा बोर्ड है वो उसके द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि आप जो भी स्टेट के लोग हों सारे लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, जिस भी स्टेट से हों। ठीक, अब दूसरी बात, यहाँ पर इससे क्या बेनिफिट्स होने वाला है, जाहिर सी बात है कि जो बिहार बोर्ड के हैं उनको तो नुकसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर 1,00,000+ वैकेंसियाँ केवल उन्हीं के लिए थी, अब उसमें क्या करेंगे, अदर स्टेट के भी लोग उसमें इंटर करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनको उनकी अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अदर स्टेट का तो फायदा हो गया, लेकिन बिहार स्टेट का क्या हो जाएगा, इसमें बिहार स्टेट के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अदर स्टेट के लोग भी जाएंगे और कंपटीशन का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अदर पॉइंट हम लोग देखें कि बिहार और अदर स्टेट की बातों को बात करें कि जो बिहार की बात हो रही थी तो बिहार के जो स्टूडेंट थे इस शिक्षक भर्ती को देख करके तो अभी तक डिसीजन नहीं जब हुआ था कि डोमिसाइल चाहिए कि नहीं चाहिए, सीटेट अपीयरिंग वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, तब तक तो ये बिहार वाले खूब बच्चे तैयारी कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अदर स्टेट वाले क्या कर रहे थे, तैयारी नहीं कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि क्या पता इसमें एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, और ऐसा बताया भी गया था क्योंकि डोमिसाइल बिहार का मांग रहा था। लेकिन यहाँ के बच्चे प्रिपरेशन थोड़ा सा डाउन कर रहे थे। अब आप इन लोगों को भी क्या करना होगा, प्रिपरेशन को अपनी क्या कर देनी होगी, बढ़ा देनी होगी। ठीक है, और बिहार वाले जो हैं ये तो आगे निकल ही चुके होंगे, क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा दिनों से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखना होगा कि अदर स्टेट वाले लोगों को और भी मेहनत करना होगा ताकि इस शिक्षक भर्ती में वो भी एक सीट अपना फिक्स कर सकें। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो भी यहाँ पर मैथ्स की क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, सारे मैथ्स की क्लास आपको स्टेट बोर्ड के जो भी शिक्षक भर्ती के लिए जो भी मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे और उसको डेली का डेली प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही आसान जो भी आपके नोटिफिकेशन होंगे और जो भी आप लोगों को ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी या जो भी आप लोगों को नए मेथड्स कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, सभी चीज़ के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस पर बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोगों को आसान ट्रिक के माध्यम से सारी चीज़ों को आसानी तरीके से सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।